नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जिन आधार केंद्र संचालक को अभी तक कमीशन नहीं मिला है तो उन्हें कहां से अपना कमीशन देखना है और कहां से उन्हें अपना कमीशन निकालना है, इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हुआ क्या है कि जितने भी हमारे आधार के लिए काम करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, तो उनको अभी तक कमीशन नहीं मिला है और कमीशन जो है पेंडिंग में हो गया है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कहां से हमें अपना जो है कमीशन देखना है। तो दोस्तों, अगर आप भी कमीशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड का पेमेंट जानने के लिए, जितने आपने आधार कार्ड बनाए हैं उनका पेमेंट स्टेटस क्या है उसको जानने के लिए आपको एक वेबसाइट जो है ओपन करनी होगी। चलिए, वेबसाइट का एड्रेस हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो आपको एड्रेस बार में टाइप करना है csc.uid.in, ठीक है, आपको यहाँ पे टाइप करना है और इसको ओपन करना है। चलिए, यहाँ हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करके ओपन करेंगे तो आपके सामने यह वेबसाइट जो है खुल जाएगी। और दोस्तों, ये जो नई वेबसाइट है यह जो है सीएससी के द्वारा बनाई गई है और आधार का सारा जो है मैनेजमेंट करेगी। तो आप इस वेबसाइट पे आके जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना पेमेंट का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VLE UID Payments, ठीक है, आपको यहाँ पे लॉग इन का बटन दिया हुआ है, आपको इस पे लॉग इन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इस पे हम लॉग इन करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने यह पेज आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी CSC ID डालनी है। ठीक है, यानी कि जो आपकी CSC ID OMT ID होती है वो आपको यहाँ पे डालनी है। और इसके बाद देखिए, नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो CSC ID वही ID है जो आप जिससे CSC को लॉग इन करते हैं, तो वही आपकी ID यहाँ पे पड़ेगी। और नीचे हम पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में यहाँ पे आपका जो है पैन कार्ड नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। और इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन करना है। देखिए, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन होने के बाद आपके सामने जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका वहां पे पेमेंट स्टेटस दिखा देगा और जो भी आपका अमाउंट होगा और कितनी आप पे पेनल्टी लगी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे लॉग इन नहीं हो रहा है, फिर भी आप आधार सेंटर चला रहे हैं और आपको यहाँ पे अगर आईडी पासवर्ड डालते हैं, यानी कि अपना CSC ID डालते हैं और पैन कार्ड नंबर भी डालते हैं, फिर भी आपका जो है लॉग इन नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, उस स्थिति में आपको अपने जो है CSC आधार कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और जो है आपको उनके लिए बताना पड़ेगा कि जो है आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो है यहाँ पे बैलेंस नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो जब आप ये सारी जानकारी अपने CSC कोऑर्डिनेटर को, आधार कोऑर्डिनेटर को बता देंगे तो वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे और आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी आपका कमीशन नहीं मिल रहा है, फिर भी आप अपना कमीशन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप कॉन्टेक्टर्स में जाके यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स दिया हुआ है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपना राज्य सिलेक्ट करिए, जो भी आपका राज्य पड़ता है। और राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, जितने आपके आधार कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे उनके नाम आ जाएंगे, उनके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उनकी मेल आईडी आ जाएगी, तो यहाँ पे उनकी नंबर निकाल के और जो भी आपका यहाँ पे जिला पड़ता है, ठीक है, उन्हीं कोऑर्डिनेटर से आप बात कर लीजिए और अपनी समस्या उन्हें बता दीजिए, तो वो आपकी समस्या का सोल्यूशन कर देंगे और जो है आपका कमीशन मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको आधार संबंधित और कोई समस्या है तो वो भी आप यहाँ पे आके इनसे कॉल करके या फिर इन्हें ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।